हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, आज हम मॉडल्स डॉट पी वाई के अंदर कोड करेंगे। मॉडल्स डॉट पी वाई के अंदर हम मॉडल क्लासेस बनाएंगे ताकि जो भी हम डेटा स्टोर करेंगे तो उसके लिए हमें डेटाबेस में टेबल्स क्रिएट करने हैं। तो वो मॉडल्स डॉट पी वाई के अंदर जो क्लासेस होंगी तो उनके करस्पॉन्डिंग टेबल्स क्रिएट हो जाएंगे डेटाबेस के अंदर। तो हम प्रोजेक्ट के अंदर आके यहाँ पे देखते हैं मॉडल्स डॉट पी वाई फाइल। तो ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे मॉडल्स डॉट पी वाई फाइल है। इस पर आप दो बार क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमें इसके अंदर क्लासेस बनानी है, मॉडल क्लासेस। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्लास, और अब मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ साइन अप नाम की, ठीक है। मतलब यूज़र की जो इन्फॉर्मेशन मैं स्टोर करूँगा वो साइन अप टेबल के अंदर करूँगा। यूज़र जब साइन अप करेगा तो उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन हम साइन अप टेबल के अंदर रखेंगे। तो उसके लिए हमने ये मॉडल क्लास बना दी। यहाँ पे हमने लिखा मॉडल्स डॉट मॉडल, कॉलन का सिंबल यूज़ कर लिया। देन आफ्टर हम क्या क्या डेटा स्टोर करना चाहते हैं उसके करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। तो यूज़र, ठीक है। अब मैंने यूज़र क्यों लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे आपको पता होगा कि क्रिएट सुपर यूज़र जब करते हैं हम जब कमांड यूज़ करते हैं क्रिएट सुपर यूज़र, तो जो पहले से प्री डिफाइंड मॉडल होता है यूज़र नाम का, उसके अंदर डेटा स्टोर हो जाता है। मतलब यूज़र नेम स्टोर हो जाता है और पासवर्ड स्टोर हो जाता है, ईमेल आईडी स्टोर हो जाता है, जो हम क्रिएट सुपर यूज़र कमांड चलाने के बाद देते हैं। तो हम कुछ डेटा उसके अंदर स्टोर कर देंगे यूज़र्स के मॉडल के अंदर, और कुछ डेटा हम साइन अप के अंदर स्टोर करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा यूज़र असाइन मॉडल्स डॉट फॉरेन की, ठीक है। आपको मैं एक बार दिखा भी देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। हम अगर यहाँ पे स्लेश लगाते हैं और एडमिन लिखते हैं तो आप देखेंगे ये जेंगो एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगा। और यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं, मैंने एडमिन लिखा और यहाँ भी मैंने एडमिन लिखा। ये यूज़र नेम पासवर्ड अगर मैंने क्रिएट किया है तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट किया था क्रिएट सुपर यूज़र कमांड चला के। तो आप देख रहे हैं ये जेंगो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे ऑलरेडी एक टेबल हमारे पास होता है यूज़र्स नाम का, ठीक है। मतलब ये मॉडल पहले से बना हुआ है, उसके करस्पॉन्डिंग टेबल है। अब इसमें ये सारी फील्ड्स हैं, यूज़र का नाम, ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, लेकिन ये चार फील्ड तो यहाँ पे हैं। इसके अलावा पासवर्ड भी है, पासवर्ड यहाँ शो नहीं हो रहा, ठीक है। अब हम चाहते हैं जो यूज़र साइन अप करेगा उसका मुझे कॉन्टेक्ट नंबर भी स्टोर करना है, या उसकी मुझे ब्रांच भी स्टोर करना है, या वो फैकल्टी है या स्टूडेंट है, उसका रोल भी स्टोर करना है। तो वो सब मैं इसमें नहीं स्टोर कर पाऊँगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें तो ये पाँच फील्ड हैं, यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और पासवर्ड, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ बाकी का डेटा हमारे दूसरे टेबल में स्टोर हो जाए, जिसका नाम हम क्या रखेंगे, साइन अप रखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये मॉडल क्लास यहाँ पे बनाई है साइन अप नाम की, और यहाँ पे मैंने लिखा मॉडल्स डॉट मॉडल। फिर यहाँ पे हम लिखते हैं मॉडल्स डॉट फॉरेन की, मॉडल्स डॉट फॉरेन की, और ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा यूजर, यूजर कॉमा ऑन डिलीट कास्केड, ठीक है। ऑन डिलीट मॉडल्स डॉट कास्केड,
यहाँ पे मैं कॉमा का सिंबल यूज़ करता हूँ, देन आफ्टर मैंने लिखा नल इक्वल टू ट्रू। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रेड लाइन आ रही है, तो हम अगर यूज़र को यूज़ करना चाहते हैं यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे इंपोर्ट करवाना पड़ेगा इसको। तो ऊपर से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, ऊपर वाली लाइन को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैंने लिखा फ्रॉम जेंगो डॉट कंट्रिब डॉट हाथ डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट यूजर। ठीक है, देन अब आप देख रहे हैं ये रेड लाइन यहाँ से हट गई। ठीक है, तो हमने बता दिया अगर यूजर मॉडल से डेटा डिलीट होता है तो साइनअप के अंदर जो रिकॉर्ड है वो भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको एज अ फॉरेन की यूज़ किया है। ठीक है, अब यूज़र का जो नाम है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, वो तो हम यहाँ पे स्टोर कर लेंगे, ईमेल एड्रेस भी स्टोर कर लेंगे, बट मुझे यूज़र का कॉन्टेक्ट नंबर, ब्रांच, रोल स्टोर करना है, तो उसके लिए मैं इस मॉडल का यूज़ करूँगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्टेक्ट देन आफ्टर मॉडल्स डॉट कैरेक्टर फील्ड मॉडल्स डॉट कैरेक्टर फील्ड, और यहाँ पे हम प्रोवाइड कर देते हैं कि जो कॉन्टेक्ट नंबर रहेगा उसमें कितने कैरेक्टर्स रहेंगे। तो मैंने यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ दे दिया 10, 10 कैरेक्टर्स मैक्सिमम होंगे, और नल को मैंने रख दिया ट्रू, मतलब अगर वैल्यू नहीं भी होगी इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो नल को मैंने ट्रू कर दिया। इसी तरह मुझे यूज़र का ब्रांच भी स्टोर करना है और रोल भी स्टोर करना है, तो इसी को कॉपी करते हैं, यूज़र का ब्रांच और रोल स्टोर करना है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं ब्रांच एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं रोल। यहाँ पे आ जाएगा मॉडल्स डॉट कैरेक्टर फील्ड, मैक्सिमम लेंथ हमने कर दिया 30, और रोल रोल में या तो स्टूडेंट या तो फैकल्टी, यह हमें स्टोर करना है, तो इसका साइज मैं दे देता हूँ 15। देन आफ्टर मैं यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ, डिफाइन अंडरस्कोर अंडरस्कोर str, देन आफ्टर फिर से दो बार अंडरस्कोर लगाया और ब्रैकेट के अंदर सेल्फ का यूज़ कर लिया। ठीक है, रिटर्न, अब हम क्या रिटर्न करवाना चाहते हैं, तो मैंने लिखा सेल्फ डॉट यूज़र डॉट यूज़र नेम। ठीक है, अब सेल्फ क्या कर रहा है, करेंट क्लास को रिफर कर रहा है, मतलब साइनअप के अंदर जो फील्ड्स हैं उनको एक्सेस करने के लिए तो हम सेल्फ का यूज़ कर रहे हैं, तो सेल्फ के थ्रू हम यूज़र को तो एक्सेस कर सकते हैं, बट मुझे अगर एक्सेस करना है यूज़र नेम को, ये यूज़र नेम। ठीक है, तो ये किसके अंदर है, यूज़र क्लास के अंदर है, ठीक है, मतलब यूज़र मॉडल के अंदर है, तो उसको एक्सेस करने के लिए आप इस यूज़र का यूज़ करोगे। ठीक है, तो आपने लिखा सेल्फ डॉट यूज़र, फिर यूज़र के थ्रू आपने एक्सेस किया यूज़र नेम को। ठीक है, तो जो नाम यहाँ पे होगा वो आपको रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, वो आपको रिटर्न मिलेगा। ठीक है, अब सिमिलरली हमें क्या करना है, नोट्स का डेटा स्टोर करना है, तो हमारा एडमिन का जो डेटा है वो तो यूज़र मॉडल के अंदर चले जाएगा जो जेंगो में ऑलरेडी होता है। और उसके अलावा यूज़र का जो डेटा है वो हम साइनअप के अंदर रख लेंगे। देन आफ्टर हमें एक और मॉडल बनाना पड़ेगा नोट्स नाम का, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं
और एक और मॉडल बना लेते हैं नोट्स नाम का। तो मैंने क्लास का नाम दे दिया, मॉडल क्लास का नाम मैंने दे दिया नोट्स। और यहाँ पे हम लिखते हैं मॉडल्स डॉट मॉडल, यहाँ भी हम लिख देते हैं यूज़र। ठीक है, नोट्स भी यूज़र पे डिपेंड करेंगे। हम चाहते हैं अगर यूज़र डिलीट हो जाए तो उसके जो नोट्स वगैरह उसने अपलोड किए थे वो भी डिलीट हो जाएं। ठीक है, फिर मॉडल्स डॉट कैरेक्टर फील्ड, इसीलिए हमने यहाँ पे फॉरेन की का यूज़ कर लिया और ओन डिलीट कास्केड बता दिया। फिर मॉडल्स डॉट कैरेक्टर फील्ड यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया अपलोडिंग डेट, मतलब नोट्स कब अपलोड किए हैं वो मुझे स्टोर करना है। तो मैंने लिखा अपलोडिंग डेट, देन आफ्टर ब्रांच हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, किस सब्जेक्ट के नोट्स हैं, और सबका साइज हम सेट कर देते हैं। अपलोडिंग डेट का मैंने साइज दे दिया 30 और ब्रांच भी 30 रख दिया। सब्जेक्ट को भी मैं 30 साइज दे देता हूँ। अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो ब्रांच सब्जेक्ट, देन आफ्टर जो नोट्स यूज़र अपलोड करेगा, ठीक है, तो नोट्स की जो फाइल होगी उसकी लोकेशन है ना, लोकेशन या फिर वो फाइल हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो फाइल हम स्टोर करेंगे नोट्स फाइल नाम के वेरिएबल में। तो हमने लिखा मॉडल्स डॉट फाइल फील्ड, मॉडल्स डॉट फाइल फील्ड, और यहाँ पे मैक्स लेंथ को हटा दिया, केवल मैंने यहाँ पे नल को ट्रू रखा है। फिर जो फाइल यूज़र ने अपलोड की है वो किस टाइप की है, तो फाइल टाइप, ठीक है, फाइल टाइप। ठीक है, तो फाइल टाइप हमने लिखा मॉडल्स डॉट कैरेक्टर फील्ड, मैक्सिमम लेंथ 30 कर देते हैं, इसका भी 30, या ठीक है 30 कर देते हैं। और देन आफ्टर दो फील्ड हमें और चाहिए, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में यूज़र स्टोर कर सकता है कि जो नोट्स हैं वो किस यूनिट के हैं, या कुछ भी इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, ऐसा कुछ भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन का साइज तो ज़्यादा हो सकता है, तो इसको हम इसका साइज में रख देता हूँ 200। और फाइल डिस्क्रिप्शन के बाद में यूज़ कर लेता हूँ स्टेटस, मॉडल्स डॉट कैरेक्टर फील्ड, मैक्स लेंथ मैंने कर दिया 15। स्टेटस मतलब शुरू में क्या रहेगा कि जो भी नोट्स अपलोड होंगे यूज़र के थ्रू, तो उसको हम एक स्टेटस प्रोवाइड करेंगे पेंडिंग। बाद में जो पेंडिंग नोट्स होंगे वो जाएंगे एडमिन के पास, एडमिन उनको वेरीफाई करेगा, और अगर उसको लगता है कि ये नोट्स सही हैं तो वो उसको एक्सेप्ट कर देगा, अदरवाइज रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ सेल्फ डॉट साइन अप, सेल्फ डॉट साइन अप डॉट यूजर डॉट यूजर नेम। ठीक है, ऐसा मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज़ भी रिटर्न कर सकते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ यूज़र का नाम भी अगर रिटर्न करना है, उसके अलावा मुझे स्टेटस को भी रिटर्न करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा सेल्फ डॉट स्टेटस।
ठीक है, इससे पहले भी हम दो प्रोजेक्ट कर चुके हैं, जिम मैनेजमेंट का और हॉस्पिटल मैनेजमेंट का। तो यहाँ पे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ जो मॉडल्स डॉट पी वाई फाइल मैंने बनाई थी। तो मैंने मॉडल्स डॉट पी वाई फाइल को ओपन कर लिया। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे वैसे हमें सभी फील्ड्स में नल इक्वल टू ट्रू करना जरूरी नहीं है, जैसे यहाँ पे हम हटा भी सकते हैं। ठीक है, ये जो भी आप कंपलसरी करना चाहते हैं फील्ड, मतलब उसमें वैल्यू डालना जरूरी है, तो उसमें नल इक्वल टू ट्रू लिखना जरूरी नहीं है। ब्रांच ब्रांच यूजर प्रोवाइड कंपलसरी करना चाहते हैं तो आप इसमें ये नल इक्वल टू ट्रू नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो इसको ही मैं हटा देता हूँ, ब्रांच भी देना है। सब्जेक्ट भी देना है। ठीक है, जो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो उनको उसमें आप नल इक्वल टू ट्रू लगा सकते हैं। ठीक है, स्टेटस में ये हटा देते हैं। डिस्क्रिप्शन नहीं देना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको मैं नल इक्वल टू ट्रू कर देता हूँ। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ यूज़र, इसको मैं नल इक्वल टू ट्रू हटा देता हूँ। कॉन्टेक्ट नंबर देना ज़रूरी नहीं है, आप नहीं भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रांच ब्रांच देना ज़रूरी है तो इसको हटा देते हैं। रोल रोल भी प्रोवाइड करना ज़रूरी है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं जो भी फील्ड आपको कंपलसरी रखनी है। वैसे ये तो हम फॉर्म से भी हैंडल कर सकते हैं, फॉर्म में भी हम चाहें तो रिक्वायर्ड लगा देंगे तो वहाँ पे कंपलसरी हो जाएगा, फिल करना कंपलसरी हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम क्या करते हैं, मॉडल्स को हमें माइग्रेट करवाना पड़ेगा ताकि इसके करस्पॉन्डिंग टेबल्स क्रिएट हो जाएं। तो हम आते हैं टर्मिनल के अंदर और एक बार इसको मुझे स्टॉप करना पड़ेगा। तो कंट्रोल सी मैंने प्रेस किया, अब मैं क्या लिखूंगा, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशन, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस, एंटर कर दिया। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, दो मॉडल हैं आपके पास, साइन अप और नोट्स। ठीक है, देन आफ्टर आपको माइग्रेट करवाना है। तो अब आप कमांड लिखेंगे माइग्रेट, ठीक है, तो ये माइग्रेशन हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये दोनों मॉडल भी हमारे बन चुके हैं। ठीक है, अब अगर हमें इनको रजिस्टर करना है तो हम ये वाला तरीका यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मैं चाहता हूँ कि हमें ये हमने जो टेबल बनाए हैं तो वो यहाँ पे डिस्प्ले होने चाहिए, एडमिन जब हम एडमिन से लॉगिन करेंगे जेंगो एडमिनिस्ट्रेशन में, हमें वो मॉडल्स डिस्प्ले होने चाहिए। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक बार इसको रन करते हैं, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको दो
टेबल्स दिख रहे हैं ग्रुप्स और यूजर्स। अब हम चाहते हैं हमने जो अभी मॉडल्स बनाए हैं उसके करस्पॉन्डिंग भी यहाँ पे टेबल्स आ जाएं, तो हमें अपने मॉडल्स को रजिस्टर करना पड़ेगा एडमिन डॉट पी वाई के अंदर। तो आप यहाँ पे देखेंगे एक फाइल होगी एडमिन डॉट पी वाई, यहाँ पे आप इनको रजिस्टर कर देंगे इस तरीके से एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर। और यहाँ पे आपके पास दो मॉडल्स हैं, एक साइनअप नाम का और एक नोट्स नाम का। ठीक है, हमने दो मॉडल्स बनाए थे नोट्स एंड साइनअप। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नोट्स। और अभी भी यहाँ पे ये रेड लाइन डिस्प्ले हो रही है, तो इसके लिए हमें एक इम्पोर्ट कमांड लिखनी पड़ेगी फ्रॉम डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट स्टार, फ्रॉम डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट स्टार। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे नोट्स और साइन अप आ चुका है। ठीक है, ये आगे एस अपने आप आ जाता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो अभी इसमें कुछ भी डेटा नहीं है। एड नोट पे आप जाएंगे तो ये वो सारे कॉलम्स आपको डिस्प्ले हो रहे हैं जो हमने क्लास में दिए थे डिस्क्रिप्शन में, बट यहाँ पे गड़बड़ आ रहा है। डिस्क्रिप्शन में चूज फाइल नहीं होना चाहिए था क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट किया था, तो ये चूज फाइल वाला ऑप्शन यहाँ पे आ गया। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं इसको फॉरेन की रखा था, तो मतलब यूजर टेबल के अंदर जो डेटा था वो यहाँ पे ड्रॉप डाउन के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, अब इसको हम सही करते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमें टाइप चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने फाइल फील्ड लिख दिया है जबकि क्या होना चाहिए था कैरेक्टर फील्ड, तो इसको हम कर देते हैं कैरेक्टर फील्ड। जब आप फाइल फील्ड लिखते हो, ठीक है, जब आप डेटा टाइप क्या यूज़ करते हो, फाइल फील्ड यूज़ करते हो, तो आपको यहाँ पे फाइल सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। इसको हम फाइल अपलोडिंग के केस में यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पे कैरेक्टर फील्ड लिखा, और अब अगर हम कुछ भी चेंज करते हैं मॉडल्स क्लासेस में तो हमें फिर से इसको माइग्रेट करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे फिर से माइग्रेट कमांड चलाते हैं, तो मैंने कंट्रोल सी लिखा और माइग्रेट कमांड को चलाया, नो माइग्रेशन टू अप्लाई। एक बार मेक माइग्रेशन चलाते हैं पहले, ठीक है। तो ये बता रहा है आपने क्या चेंज किया, आपने अल्टर किया कौन सी फील्ड को, डिस्क्रिप्शन फील्ड को नोट्स मॉडल के अंदर। अब हम इसको माइग्रेट करते हैं, ठीक है। तो जब भी आप चेंज करेंगे मॉडल्स डॉट पी वाई के अंदर कोई भी चेंज करते हैं बाद में, तो आपको मेक माइग्रेशन कमांड चलाना है और माइग्रेट भी करना है, तभी वो चेंज यहाँ पे आ पाएगा। ठीक है, जैसे अब मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ, तो पहले ये इसको एक बार रन भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने रन सर्वर कमांड चलाई, ठीक है। तो अब आप यहां देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन, ठीक है, तो ये टेक्स्ट फील्ड के फॉर्म में आ गया। इसी तरह साइन अप, यहाँ पे भी जब आप डेटा एड करेंगे तो यहाँ भी ड्रॉप डाउन के फॉर्म में आएगा क्योंकि ये दूसरे टेबल से यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, मॉडल्स डॉट पी वाई फाइल का कोड हमने कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।